छत्तीसगढ़ के भिलाई के महापौर देवेंद्र यादव इंडिया फर्स्ट के साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। देवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में इस समय जो शराब का जो मुद्दा है वो काफ़ी गर्माया हुआ है, सरकार कुछ साफ नहीं कर पा रही है, आखिर वो शराब की दुकानों के खिलाफ है या नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर शराब बेचने का काम अब खुद सरकार कर रही है, ये कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है। और केवल एक लगातार एक बात उठ रही है सरकार की तरफ से कि हम लोग शराबबंदी की ओर हैं, लेकिन कहीं से भी वो शराबबंदी की ओर नहीं है। शराबबंदी अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को करनी है तो पूरी तरह करे, और इस तरीके से शराब बेचने के बहाने व्यवसाय जो कर रही है वो करे। संसाधनों का लगातार दोहन है कि यहाँ पर शिकायतें की जाती है, लेकिन कांग्रेस एक जन आंदोलन छेड़ने में नाकामयाब रही है। क्या दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्या जो जोगी जी की जो पार्टी है वो सेकंड अपोजिशन के तौर पर उभर रही है? देखिए, कांग्रेस लगातार लोगों के मुद्दे पर काम कर रही है, किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, आउटसोर्सिंग हो, हर मामलों में युवा कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिय रही है। जहाँ तक अजीत जोगी जी की पार्टी के विषय में चर्चा, बस इतना ही कहूँगा कि उनकी पार्टी अभी अभी बनी है और उनका कोई बेस नहीं है, कहीं से भी वो कोई विकल्प नहीं है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई आज तक रही है, आगे भी वही रहेगी। वो केवल एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें कुछ भी नहीं। महिलाओं को लेकर हम बात करेंगे, कुछ खास जो योजना है महिलाओं को केंद्रित करके यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री रमन सिंह कर रहे हैं, लोक सुराज अभियान के तहत भी वो काफ़ी जो है छत्तीसगढ़ में लगातार दौरा कर रहे हैं, आपको निर्णय कहने के उन्होंने ठान लिया है कि अब वापस सरकार बनानी है? देखिए, पब्लिक ने ठान लिया है कि अब परिवर्तन करना है। लोक सुराज के नाम पर पिछले विगत वर्षों से आप अगर कागज़ों को देखेंगे तो केवल आवेदन दिए जाते हैं। क्योंकि मैं एक शहर का प्रतिनिधित्व करता हूं, एक शहर का महापौर हूं, तो लोक सुराज अभियान को बहुत करीब से देखता हूं। केवल लोगों के आवेदन लिए जाते हैं और उस पर कार्रवाई कुछ भी नहीं होती। लोक सुराज के नाम पर निगमों को भी बजट नहीं मिलता, ना किसी को, ना कोई काम होते हैं, केवल लगातार जनता को एक दिखावा किया जाता है, एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है जिसमें तस्वीरें दिखाई जाती है नेताओं की। नेता अलग अलग जगह जाके भाषण देते हैं, लोगों को लुभावने वादे करते हैं। देखिए, लोक सुराज में इतना ज़्यादा जनता का विरोध है, लोग उस पर आवेदन दे रहे हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। भिलाई के आप लगातार महापौर हैं, भिलाई के महापौर हैं, आप मेयर हैं, भिलाई को किस तरह से हाईटेक बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद वहाँ पर यूथ की है? देखिए, हमारा शहर युवाओं का शहर है, पूरे देश भर के लोग वहाँ पर रहते हैं, एक हाईटेक सिटी है भिलाई पहले से भी। हम लोग भी अर्बन बॉडी में लगातार हम लोग मैन जो वर्क है, जो भी चीज़ें हम लोग टेक्निकली साउंड कर सकते हैं उसको करने का काम कर रहे हैं। भिलाई के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने मिल रहा है। हम लोग स्मार्ट स्कूल, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत इतनी ख़राब थी जब मैं महापौर बना, उसके बाद लगातार हम लोग अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं। स्मार्ट स्कूल्स की योजना हम लोगों ने लेके आई, हम लोग वाईफाई पे काम कर रहे हैं, हम लोग जो डाटा सेंटर है नगर निगम का उसको भी टेक्निकली साउंड और कंप्यूटराइज करने का पूरा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र यादव जी इंडिया फर्स्ट एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कांग्रेस लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, चाहे हम रायपुर की बात करें, भिलाई की बात करें, वहाँ पर कांग्रेस के ही महापौर हैं और देवेंद्र यादव उन यूथ में युवा चेहरा है जिसको लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बड़े मकाम पर ले जाने की कोशिश में लगी हुई है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जो संघर्ष है वो बेहद दिलचस्प है और यहाँ पर कम से कम वॉकओवर की स्थिति फिलहाल दिखाई नहीं देती है। कैमरामैन कुलदीप के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।